हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या फिर लाइनक्स में हु कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हु कमांड का यूज़ क्या है। तो बेसिकली जो हु कमांड है, इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ ऑल यूजर्स हु आर लॉग्ड ऑन टू द सिस्टम। तो यूनिक्स या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंटली कौन कौन से यूजर्स लॉग्ड इन है, उन यूजर्स की लिस्ट जो है हु कमांड शो करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यूनिक्स या लाइनक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना है हु, WHO हु, और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो ये बताएगा कि इस यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करेंटली कौन कौन से बंदे लॉग्ड इन है, उनकी ये लिस्ट शो करेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स 6 का वर्जन है। तो इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन से बंदे लॉग्ड इन है, करेंटली कौन कौन से बंदे इस पे लॉग इन है, उसकी लिस्ट देखने के लिए हम टाइप करेंगे WHO हु और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी दो बंदे करंटली जो है दो बंदे लॉग्ड इन है, अनिल और अनिल, दोनों ही अनिल है। और ये जो है रेशियो जीरो का मतलब ये टर्मिनल का नाम है, इस टर्मिनल से इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है कनेक्शन हुआ है। और ये जो है ये डेट है 26 अक्टूबर 2020। तो अनिल नाम का ये जो बंदा है, अनिल नाम का जो बंदा है रेशियो 01 टर्मिनल से इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन हुआ है, कब, 26 अक्टूबर 2020 को 15:42 पे, दैट मीन्स 3:42 पे। इसके बाद एक और यूजर है अनिल नाम का, एक और दूसरा बंदा है जो PTS/1 इस वाले टर्मिनल से इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन हुआ है, और ये भी 26 अक्टूबर 2020 को ये बंदा लॉग इन हुआ है 16:12 पे। तो इस तरीके से जो है जब हम रियल एनवायरनमेंट में लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग बंदे, अलग अलग डिपार्टमेंट के बंदे इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, और वो अपने अपने डिपार्टमेंट से जब इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन होते हैं तो एट द सेम टाइम एक ही समय पे कई बंदे इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग इन होकर के काम कर रहे होते हैं। तो अगर हमें ये जानना है कि इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी कौन कौन से बंदे करंटली लॉग्ड इन है, तो हम इसके लिए हु कमांड को यूज़ करते हैं। तो हु कमांड को एग्जीक्यूट करके हम देख सकते हैं कि करंटली इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन से बंदे लॉग्ड इन है। तो ये तो था हु कमांड के बारे में। तो इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हु कमांड का और क्या यूज है। तो जो सेकंड यूज है, नेक्स्ट यूज जो है वो है दिस कमांड आल्सो हैज ए हेडर ऑप्शन विच प्रिंट्स द कॉलम हेडर्स एंड व्हेन कंबाइंड विद हाइफन यू ऑप्शन प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल्ड लिस्ट। तो ये कह रहा है कि हु कमांड के साथ जब हम हाइफन एच ऑप्शन को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कॉलम हेडर्स को ये शो करता है। क्या होता है कॉलम हेडर्स, ये हम प्रैक्टिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे करके देखेंगे तो समझ में आएगा। साथ ही साथ जब हम हु कमांड के साथ हाइफन एच ऑप्शन को यूज करके इसके बाद उसके साथ यू ऑप्शन को भी यूज करते हैं तो ये क्या करता है, कॉलम हेडर्स
की मोर डिटेल्स देता है ये, मतलब उस यूजर की मोर डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यूनिक्स या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा करके हमें टाइप करना है WHO और हाइफन और कैपिटल एच टाइप करना है। तो ये क्या करेगा, कॉलम हेडर्स को शो करेगा, और हु कमांड के साथ हाइफन एच के साथ जब हम यू ऑप्शन को यूज करते हैं तो यू ऑप्शन के साथ ये क्या करेगा, उस यूजर की थोड़ी और डिटेल्ड लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो हु कमांड चलाएंगे सबसे पहले। तो हु कमांड ने क्या किया, करेंटली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन से बंदे लॉग्ड इन है उसकी इसने लिस्ट शो कर दिया। अनिल अनिल ये दो बंदे हैं जो करेंटली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन है। अब हमें क्या करना है, इस हु कमांड के साथ हाइफन एच को यूज करना है। तो हु हाइफन और कैपिटल एच और एंटर। तो इसने क्या किया, हेडर ऑप्शन हेडर कॉलम को इसने, यानी कि कॉलम हेडर्स को, हाइफन एच क्या होता है, कॉलम हेडर्स को शो करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो हु कमांड ने क्या किया, अनिल अनिल दो यूजर्स है, दो यूजर्स की लिस्ट यहां पर शो कर दी, और इसके बाद जो है हाइफन एच क्या कर रहा है, कॉलम हेडर्स को ये शो कर रहा है, यानी कि नेम लाइन टाइम कमेंट ये क्या है, ये हेडर ऑप्शन है। तो इस तरीके से हेडर ऑप्शन को भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यूज करेंगे हु कमांड के साथ हाइफन एच और यू ऑप्शन को यूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसने क्या किया, ऊपर वाले में नेम लाइन टाइम और कमेंट ये चार हेडर ऑप्शन है, चार कॉलम हेडर्स है, बट यू ने क्या किया, यू ऑप्शन के साथ इसने क्या किया, यूजर की थोड़ी सी और डिटेल्ड लिस्ट इसने प्रोवाइड कर दी है। तो यू ऑप्शन को यूज करने के बाद नेम लाइन टाइम आइडल PID कमेंट इतनी सारी डिटेल्स ये शो कर रहा है। तो यू क्या है, मोर डिटेल्स को शो कराने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए हम यू हाइफन एच के साथ यू ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हु कमांड के साथ हाइफन एच ऑप्शन का यूज और हु कमांड के साथ हाइफन एच यू ऑप्शन का यूज। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब देखते हैं कि हु कमांड का और क्या यूज है। तो हाइफन क्यू अलोंग विद हु कमांड इज यूज टू शो हाउ मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड टू द सिस्टम। अब जो है हु कमांड के साथ जब हम हाइफन क्यू ऑप्शन को यूज करते हैं तो ये काउंटिंग करके बताता है कि करेंटली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन से बंदे लॉग्ड इन है उसको काउंट करके बताएगा। अगर दो बंदे होंगे तो टू बताएगा, नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल टू टू, और तीन बंदे होंगे तो नंबर ऑफ यूजर्स इक्वल टू थ्री। तो आइए इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के टाइप करेंगे हु और इसके बाद हाइफन क्यू लिखेंगे। तो ये नंबर ऑफ यूजर्स हु आर करेंटली लॉग्ड इनटू द सिस्टम उसको ये डिस्प्ले कराएगा। तो ये यहाँ पे टाइप करेंगे हु, हु कमांड को एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं। तो ये दो यूजर्स है, अनिल अनिल ये दो यूजर्स है जो करेंटली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन है। अब हम यूज करेंगे हु हाइफन क्यू, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ यूजर्स हु आर करेंटली लॉग्ड इनटू द सिस्टम उसको ये शो करेगा। तो ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे यूजर्स इक्वल टू टू, इसका मतलब है कि दो यूजर्स अभी करेंटली इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग्ड इन है। तो ये था हु कमांड के साथ हाइफन क्यू ऑप्शन। तो इसको क्लियर कर लेते हैं।
ये क्लियर कर दिया मैंने। तो हमने हु कमांड का बेसिकली तीन तरीके से जो है यूज करके देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।